देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी, देखिए फिगर में एबीसी और यहाँ पर यह डीबीसी दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यह दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी और डीबीसी, जो एक ही आधार बीसी पर, एक ही आधार बीसी पर उसके एक ही ओर बने हैं। अच्छा, एक ही ओर बना है दोनों, एबीसी और डीबीसी दोनों आधार बीसी के एक ही ओर बना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल एबीडी और एसीडी बराबर होगा। चलिए बहुत ही सिंपल सा यह क्वेश्चन देखते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी एक ही आधार बीसी पर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी बराबर में एंगल ए सी डी। बहुत ही सिंपल सा है, देखो चूंकि आपके पास त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे, आधार वाले दो कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी बराबर होगा। उसी तरह डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में एंगल डी बी सी बराबर में एंगल डी सी बी होगा। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, घटाने पर माइनस करते हैं, ए बी सी यह पूरा कोण, ए बी सी में से यह डी बी सी घट जाएगा, यह वाला कोण घट जाएगा, तो यही ना बचेगा एंगल ए बी डी। उसी तरह से इधर देखो एंगल ए सी बी है, और ए सी बी में से डी सी बी घटा देंगे, ए सी बी में से यह डी सी बी घटा देंगे, तो यह वाला कोण बच जाएगा, यानी कि एंगल ए सी डी। यही ना मैं प्रमाणित करना था, हो गया सिंपल सा, देखो कितना सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन